गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग साइंस वर्क रेगुलरली. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज. टुडे वी विल डू सेम टॉपिक कंटिन्यू, विटामिन्स, बट टुडे वी विल डू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. डेफिशिएंसी मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी व्हाट विल हैपन. सो बेटा, as you know that vitamin C is water soluble. As I earlier told you that some vitamins are soluble in fat and some are soluble in water. So vitamin C is soluble in water, and due to deficiency of vitamin C, our bones become weak and teeth and gums, they are also become very weak. As you can see in picture, teeth are very very dirty, and you can say that teeth are not in good quality, and sometimes bleeding starts from gums due to lack of deficiency, due to lack or you can say deficiency of vitamin C. बेटा, विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपके जो गम्स हैं वो वीक हो जाते हैं, समटाइम गम से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है. विटामिन सी, आपको पता है कि जैसे फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट है. तो आपको अपनी डाइट में विटामिन सी प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए टू मेक योर बोन्स एज वेल एज योर गम्स स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज विटामिन डी. विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल. दिस इज सोल्यूबल इन फैट, एंड वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. सन रेज जो आपकी बॉडी पे पड़ेंगे तो इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, एंड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी बोन्स बिकम वेरी वीक, एंड दिस डिजीज इज नोन एज रिकेट्स. एज यू कैन सी इन पिक्चर दैट शेप ऑफ लेग्स ऑफ दिस बॉय इज लाइक अ बो शेप, एंड दिस डिजीज इज नोन एज रिकेट्स. रिकेट्स अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एंड विटामिन डी ऑल्सो कॉज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन विटामिन डी. बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में अगर आप विटामिन डी प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ नहीं करते हो. एंड विटामिन डी का ज़्यादातर इफेक्ट छोटे बच्चों पर पड़ता है. दे कांट सिट प्रॉपरली, दे कांट क्रोल एंड वॉक, ये सब कुछ उनका डिले हो जाता है. अगर छोटा बच्चा विटामिन डी नहीं लेता है अपनी डाइट में तो विटामिन डी की कमी से बच्चा क्रोल नहीं कर पाएगा, वॉक नहीं कर पाता अच्छे से, एंड उनका चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन बिकम लाइक अ पिजन. सो दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड पिजन चेस्ट. प्रेग्नेंट लेडी शुड बी टेक विटामिन डी प्रोडक्ट इन हर डाइट सो दैट ग्रोथ एंड बोन्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट चाइल्ड शुड बी प्रॉपर. नेक्स्ट इज मिनरल्स. एज यू नो दैट सम मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड. दीज आर मिनरल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड वी शुड टेक दीज मिनरल्स इन आर डाइट इन स्मॉल अमाउंट. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज टेबल इज गिवन टू यू. इन दिस टेबल बेटा सम मिनरल्स आर गिवन एंड सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ दीज मिनरल्स आर गिवन टू यू. लेट्स सी. As you can see in this picture, this table, that calcium, first mineral I am telling about, that is calcium, and sources of calcium are milk product like ghee, butter, these are curd, milk, these are milk product beta, and green leafy vegetables. Green leafy vegetables may be calcium present hoga, and we should eat these product in our diet. And what is the function of calcium? Calcium keeps our bones strong and teeth healthy. Next mineral is phosphorus. Phosphorus is present in milk and pulses, fish and meat. And what is the function of phosphorus? Phosphorus also help to grow bones and teeth. Next mineral is iron. Iron is present in green leafy vegetable and other vegetables, nuts as well as in gourd also. Next is function of iron. Iron is used to make hemoglobin in your blood. As you know that color of blood is red, this red color is due to presence of hemoglobin in your body. बेटा, आपको आयरन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड आपके ब्लड का जो रेड कलर है दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी. एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो उससे कौन सी डिजीज होगी? अनेमिया. एंड जो अनेमिक पर्सन है दैट ऑलवेज लुक पेल एंड वीक, टायर्ड फील करता है वो पर्सन अपने आप को,
Last source mineral is iodine, and sources of iodines are fruits, vegetables, seafood, and iodized salt. Iodine सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा? Iodized salt के अंदर present होगा. And function क्या होगा? Proper functioning of thyroid glands. Its a deficiency causes goiter. Iodine की कमी से कौन सी disease होगी? Goiter. Goiter means neck region में swelling हो जाती है. That is known as a goiter. Next is water. Water is also very important for our body. As you know that our weight of our body is due to 70% of बेटा आपकी बॉडी का जो वेट है वो 70% वेट वो किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन योर बॉडी. नाउ सम फंक्शंस आर गिवन टू यू. फर्स्ट फंक्शन इज दैट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन योर सेल. आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं दैट इज़ ड्यू टू वाटर. सेकंड फंक्शन इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट. वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ब्लड के अंदर भी बेटा वाटर प्रेजेंट होता है. एज यू नो दैट देर आर टू सेल्स आर्टेरीज एंड वेन्स. दीज आर्टेरीज एंड वेन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आर बॉडी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एंड डी ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वाटर इज टू मेंटेन आर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एज यू नो दैट इन समर स्वेट कम्स. स्वेट क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव करेगा एज वेल एज इट मेंटेन आर बॉडी टेम्परेचर. So these are functions of water that are very important for us. So you should drink a lot of water daily. Plenty of water you should drink. Next topic is roughage. Green vegetables, fruit, whole grains, these all contain cellulose. And you know that beta cellulose are there are no bacteria present in our body that help to digest the cellulose. बेटा आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ईट करते हो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है बट हमारी बॉडीज में ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा? जो सेलुलोजिक डाइट्री फाइबर्स है दैट आर डाइजेस्टेड बाई रफेज. रफेज हेल्प इन बोवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. बोवल मीन्स आपकी बॉडी से जो वेस्ट रिमूव होता है दैट इज ड्यू टू रफेज. नेक्स्ट डेफिशिएंसी मिनरल डेफिशिएंसी मीन्स बेटा हमने बताया कि मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए बट अगर आप मिनरल्स को प्रॉपर अपनी डाइट में यूज़ नहीं करते हो देन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स अ लॉट ऑफ डिजीज विल अकर टू यू. फर्स्ट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी. एज यू नो दैट कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर प्रेग्नेंट लेडी ऑल्सो टू मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. बट इफ़ यू नॉट टेक कैल्शियम डाइट देन योर teeth become very weak, bones will also become very weak and contraction of heart will takes place. Next is phosphorus deficiency beta. Phosphorus is along with calcium, phosphorus is also very important for our body to make our bones and teeth strong and to maintain our nerve cells. बट अगर आप फॉस्फोरस नहीं ले रहे हो देन वट विल हैपन? लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अकर्स ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. बट अगर आपकी बॉडी में आयरन की या फिर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है देन वेट लॉस हो जाता है आपका एंड जनरल ग्रोथ जो आपकी होनी चाहिए वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है. नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी. आयरन की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, अगर आप ऐसी डाइट नहीं ले रहे हो जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा बेटा? एज यू नो दैट आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. इफ यू विल नॉट टेक आयरन इन योर डाइट देन अनेमिया विल अकर टू यू एंड अनेमिक पर्सन appear weak, pale and always feel tired. Next is iodine deficiency. Goiter is an iodine deficiency disease which is widespread in many parts of our country. I think you have seen some persons that have swelling in their neck region. Kuch persons ke neck region mein swelling hoti hai, that is due to deficiency of iodine. They are not taking iodized salt in their diet. Generally, mainly these diseases occur
टू दैट पर्सन दैट आर लिविंग इन कोस्टल एरियाज, जो लोग ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको ये डिजीज़ होती है, क्योंकि उनकी डाइट में सोल्ट नहीं होता, आयोडाइज सोल्ट यूज़ नहीं करते वो। आयोडाइज सोल्ट ना यूज़ करने की वजह से उनको जो डिजीज़ होगी, जो नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज़ नोन एज गोइटर। नेक्स्ट आइजीज, व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट शुड बी अ डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स अ हेल्दी फूड, दैट इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। आप डेली जो खाना खाते हो बेटा, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, फूड मटेरियल जिसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट हो एंड विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। If we do not get energy from food, we feel tired. अगर आप food नहीं लोगे, एक दिन अगर आप खाना नहीं खाते हो, then you feel tired. आपको work नहीं कर पाते हो, आपको work करने के लिए जो energy चाहिए वो कहाँ से मिलती है, food से। तो food बहुत ज़रूरी है आपके जितने भी activities हैं, आप life process करते हो, like respiration, circulation, digestion, इन सब के लिए food बहुत ज़रूरी है। तो जो diet आप लेते हो, it should be balanced. It be vegetarian, it can be vegetarian or non-vegetarian. And you should avoid oily and spicy food, because oily or spicy food, this is good in taste, but they are not good for our health. इनका टेस्ट अच्छा होगा बेटा, बट आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, दिस इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स बेटा, इफ सम पर्सन आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, सो देयर हेल्थ विल बी वेरी पुअर, एंड स्पेशली चिल्ड्रन दैट बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज, दे डू नॉट गेट इनफ फूड in their diet, and due to lack of food they are suffering from lot of disease. First is given to deficiency of protein, carbohydrates and fat. बेटा जो poor लोग हैं उनको proper खाना नहीं मिल पाता, तो उनकी body के अंदर deficiency हो जाती है किसकी, carbohydrate की, proteins की, fats की, and these are known as PEM and PCM. What is the full form of PEM? PEM means protein energy malnutrition, and PCM means protein calorie malnutrition. These full form are also very important. And जिन बच्चों की डाइट में प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं होता, तो उनको डिजीज होगी जिसको हम बोलते हैं क्वाइश्कर एंड द मैरिसम्स। एज यू कैन सी इन पिक्चर बेटा, क्वाइश्कर के अंदर क्या हो रहा है, जो बेबी है उसका स्टमक काफ़ी फुला हुआ सा दिखाई दे रहा है आपको, जो एब्डोमिनल रीजन है वो स्वेलिंग आई हुई है उसके अंदर। एंड सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा है ये बच्चा जो है बहुत वीक है, इसकी बोन्स आपको, इसका जो रिब केज है वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। नाउ अ चिल्ड्रन सफर्स फॉर मैरिसम्स, ही इज स्टार्विंग, दैट इज नॉट गेटिंग इनफ फूड। जब उसको इनफ फूड नहीं मिलता, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। एंड आपको दिख रहा था लास्ट पिक्चर में, देखो बेटा यहाँ पर इस सेकेंड पिक्चर में बच्चा बहुत वीक दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। लास्ट टॉपिक इज ओबेसिटी, दैट मीन्स फैटी, ये बच्चा कितना फैटी दिखाई दे रहा है आपको, वाई, बिकॉज if we are taking a lot of oily and junk food in our diet, this contain extra calories, and due to extra calories person become obese, that means person become fatty, and this extra calories will get up in kahan par ikattha ho jati hai beta, ye this extra calories, ये जो फैट है वो कलेक्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, एंड सो वी शुड अवॉइड फ्राइड फूड। फ्राइड फूड आपको नहीं खाना चाहिए ज़्यादातर, एंड यू शुड डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से भी फैट आ जाता है आपकी बॉडी में, और ओबेसिटी की वजह से अ लॉट ऑफ हेल्थी प्रॉब्लम्स कैन अकर। सो इट इज़ क्लियर टू यू बेटा, कैलोरीज स्टार्ट
स्टोर्ड बिलो योर स्किन, स्किन के नीचे कैलरी स्टार्ट स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी बॉडी में. सो ओबेसिटी मीन्स फैट एंड यू शुड अवॉइड जंक एंड ऑयली फूड टू अवॉइड फैट बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैलरीज. बेटा चैप्टर सेकेंड इज कम्प्लीटेड. टुडे आई एम सेंडिंग यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू. यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस क्वेश्चन आंसर एंड रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.